वीजा एक्सपर्ट्स। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीज़ा एक्सपर्ट। तो स्लोवाकिया वर्क परमिट, स्लोवाकिया में कोई भी जाना चाहता है कंस्ट्रक्शन हेल्पर के ऊपर, तो कॉन्टैक्ट करे हमारे साथ। डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया गया है, जानकारी दूंगा, सारी वीडियो ज़रूर देखिएगा। स्लोवाकिया वर्क परमिट है और इसमें हमें ओनली ऑन कंस्ट्रक्शन वर्कर चाहिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर चाहिए जिनकी जो सैलरी रहेगी 700 से 800 यूरो रहेगी और फूड खुद का होगा, अकोमोडेशन प्रोवाइड बाय द कंपनी है, ठीक है। और इसमें एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होगा 22 साल से लेके 40 साल तक उम्र चाहिए हमें, अकोमोडेशन प्रोवाइड होगी। जो टिकट और एम्बेसी फीस बाय क्लाइंट होती है वो तो पता ही है सबको, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए, पीसीसी चाहिए हमें एट द टाइम ऑफ जब सबमिशन होगी आपकी, पीसीसी चाहिए पासपोर्ट वाली, ठीक है। और पासपोर्ट चाहिए, एजुकेशनल फ़ोटो, वैक्सीन सर्टिफिकेट, आपका मेडिकल आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये चाहिए हमें। और आपका जो प्रोसेस शुरू हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है, 3 से 4 महीने का दोस्तों प्रोसेस टाइम होता है। इनिशियल पेमेंट कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप होती है। जब आपका परमिट आ जाता है तो वैसे हमें श्योरिटी के लिए आपके चेक वगैरह चाहिए, ठीक है। जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो आप पूरी करके दीजिएगा और आपका जो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। स्लोवाकिया शेंगेन कंट्री है और इसमें पीआर का सिस्टम भी बहुत जल्दी होता है, ठीक है। कोई भी अगर स्लोवाकिया जाना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल कर से पूछ सकते हो। और दूसरा हमारे पास हंगरी का वर्क परमिट है। हंगरी के लिए हमें फूड बाइक, जो फूड डिलीवरी करते हैं वो बंदे चाहिए, ठीक है। बाइक वाले बंदे चाहिए जिनके पास इंडियन लाइसेंस हो बाइक का और 650 यूरो सैलरी है। उनकी एक तो वीडियो चाहिए 1-2 मिनट की, ठीक है। नॉन टर्बन वाले बंदे चाहिए, उनकी सेल्फ की वीडियो चाहिए इंग्लिश के अंदर और उनका जो प्रोसेस है शुरू हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली वीडियो चाहिए, उनकी सेल्फ इंट्रोडक्शन चाहिए, 1-2 मिनट की सेल्फ इंट्रोडक्शन हो, उसके बीच में उसका पता लग जाता है, ठीक है। क्योंकि बाइक जो डिलीवरी करते हैं, फूड हम किसी को देते हैं, ठीक है, वो कैसे देना है और अगर किसी से ऑर्डर लेते हैं, इतना थोड़ा बहुत बंदे को कम्युनिकेशन आनी चाहिए, ठीक है। तभी वो बंदा आगे कहीं पर भी जॉब करेगा तो उसको समझ आ पाएगा, ठीक है। 1 साल का वीज़ा होता है, TRC होती है, एक्सटेंडेबल TRC होती है। जैसे कि स्लोवाकिया की भी 1 साल की TRC एक्सटेंडेबल होगी, वैसे हंगरी की 1-1 साल की TRC होती है, ठीक है। हंगरी के अंदर फूड एंड अकोमोडेशन प्रोवाइड बाय द कंपनी है। 22 साल से लेके 40 साल तक उम्र चाहिए हमें। CV, पासपोर्ट, फ़ोटो, PCC चाहिए एट ऑफ जब सबमिशन होगी और मेडिकल आपका चाहिए, ठीक है। इंडियन लाइसेंस चाहिए, चेक चाहिए आपके श्योरिटी के लिए, पेमेंट श्योरिटी के लिए, ठीक है। इनिशियल पेमेंट कुछ नहीं है, जब आपका वर्क परमिट पेपर आते हैं तब तो कुछ पेमेंट बाकी वीज़े के बाद होती है। बाकी डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया गया है। स्लोवाकिया और हंगरी बहुत अच्छी अभी वैकेंसीज़ हैं, पेंडिंग है हमारे पास। कोई भी अप्लाई करना चाहता है तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए और अपनी सीट बुक करवाइए, क्योंकि ये वैकेंसी बार बार नहीं आती हैं, ठीक है। कोई भी अगर इनमें जाना चाहता है, शेंगेन कंट्रीज़ हैं, हंगरी और स्लोवाकिया का काम हो भी रहा है हंगरी का, ठीक है। वीज़े आ रहे हैं और इनके भी जो अप्लाई होंगे वीज़े आएंगे ज़रूर, और 3 से 4 महीने का प्रोसेसिंग टाइम है। बाकी कुछ नहीं पता लगा तो आप कॉल करके पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया गया है। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।